फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहां पर देख सकते हो अभी है सुबह का टाइम, तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहां पर है ना सुबह सुबह मेरा पूरा घर जो है ना वो फैला हुआ है, और सुबह उठ के बस अभी है ना फिलहाल मैंने चाय ही पी है और लग गई हूँ अपने काम पर। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी उठ गई है आज जल्दी ही जल्दी। तो यहाँ पर है ना कल मैंने बहुत सारे कपड़े जो है ना वो सुखाए थे, पर मुझे टाइम नहीं था तो मैंने फोल्ड नहीं किया था। तो वो सारे कपड़े जो है ना वो मैं अभी फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर बेड पे पड़े हो ना तो फिर घर समेटने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से ये ढेरों सारे कपड़े दिशानी मेरे, उसके पापा के, तो वो सब कुछ है ना मैं अपने अपने जगह पे सब कपड़ों को रख दूंगी। और इधर दिशानी देखिए पेंट लेके सिर के अंदर डाल रही है, वो सोच रही है ये भी सिर से ही पहनते हैं, तो ऐसे मस्ती कर रही है वो भी यहाँ पर। और सुबह सुबह ना दिशानी को बस मैंने अभी दूध पिलाया है, तो उसको थोड़ा सा खिचड़ी बना के देखती हूँ खाती है कि नहीं खाती। तो कभी उसका मूड होता है ना तो वो खा भी लेती है, ऐसा नहीं, और कभी कभी है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो ऐसा उसका चलता रहता है। वो हमेशा रेगुलर कंटिन्यू नहीं खाती है, बीच बीच में खाना पीना छोड़ देती है, फिर दूध ही पीती है। तो सारे बच्चे ना अलग अलग होते हैं, पर अगर बच्चे खाना भी नहीं खाए ना तो ब्लेम तो लोग मम्मी को ही करते हैं कि खिलाते नहीं होंगे। तो और बच्चे है ना दूसरों के घर पे जाके बहुत अच्छे से खाते हैं, खुद के घर पे तो बिल्कुल नहीं खाते, और फिर जाके सबको लगता है कि शायद घर पे खिलाती नहीं है। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, ये है ना मतलब घर पे तो खाती भी नहीं है, खैर ये दूसरों के घर पे भी जाके नहीं खाती है। ये ना खाना टेस्ट करने के लिए ना फर्स्ट बाइट तो खा लेगी, उसके बाद कोई ताकत इसको नहीं खाना खिला पाएंगे। कभी कभी बाई चांस उसका मूड हो तो खा भी लेती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है ना चलता रहता है। और अभी है ना अक्टूबर महीने में ना ये 2 साल की भी हो जाएगी, तो 2 साल की लड़की अगर सिर्फ दूध ही पिएगी तो कैसे चलेगा, उसको साथ में खाना भी चाहिए होता है। तो ये खाती भी नहीं है और सब लोग मुझे ही बोलते हैं खिलाती नहीं है, पर मैं जानती हूँ मैं उसको खिलाने के लिए कितना कुछ करती हूँ। और जब कोई मुझे ऐसा बोलते हैं ना कि ये नहीं खिलाती होगी शायद, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस इंसान का ना, मुझे मुँह देखने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है तुरंत वहाँ से मैं हट जाऊँ, क्योंकि मैं इतना परेशान होती हूँ दिन रात इसको खिलाने के चक्कर में, कभी ये बनाती हूँ कभी वो बनाती हूँ। और फिर अगर मुझे कोई ऐसा बोले ना बिना जाने समझे तो मुझे बहुत बेकार लगता है फिर। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह ना यहाँ पर बर्तन भी कल रात को ना मैंने रख दिए थे, मैंने एक भी बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि दिशानी को लेके मैं थोड़ा सा परेशान थी, उसकी तबीयत भी सही नहीं है, खाना नहीं खाती है, तो इसी वजह से ये वो बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। और रात को भी ना मैंने दही और सूजी को मतलब भिगो के रखा था, और फिर जाके उससे है ना मैंने उत्तपम टाइप का बनाया था, ताकि वो थोड़ा सा खट्टा लगे और सॉफ्ट भी हो, और दही और सूजी दोनों ही अच्छा होता है। तो इसी वजह से उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी कि क्या पता उसको क्या अच्छा लग जाए, पर उसको है ना वो भी अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा खाई थी, फिर बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो वो सारे बर्तन वर्तन है ना रखे थे, मैंने धोए नहीं थे, रात हो गई थी इसी वजह से, और थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी है ना सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं ना किचन साफ कर रही हूँ, क्योंकि किचन साफ ना होना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा जो भी हो वो सब कुछ करूँगी, फिर जाके मैं कुछ लंच बनाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो ये सारा सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। रात में अगर काम छोड़ देती हूँ ना तो वो काम तो मतलब बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है सुबह उठ के, क्योंकि सुबह उठकर है ना मुझे एक काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है, दिशानी को खिलाना, उसको लेके ही ज़्यादा टाइम जाता है। और छोटे बच्चे अगर हो ना तो फिर ऐसा ही होता है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर है ना ये खिड़की है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, धूल, तो मैं जब भी यहाँ पे बर्तन वर्तन धोती हूँ ना साथ में उसको भी पोछ देती हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे, नहीं तो फिर यहाँ पर बर्तन धोती हूँ और वहाँ पर अगर धूल दिखे ना तो आँखों में बिल्कुल खटकती है। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर आ गई थी मैं फ्रीज के ऊपर है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी इकट्ठा तो हो ही जाती है घर गृहस्थी में, तो वो सारा सामान जो है ना यहाँ पर मैंने रखा था, जैसे कि ये कचड़ा, पॉलीथीन, फिर जाके और भी छोटी मोटी चीज़ें,
तो बस वही सब कुछ है ना यहाँ पर रखे रखे, पर धूल बहुत है और धूल के वजह से ना फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ना थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँ। और सारा काम तो हो गया है, जो सब्जी आई थी उनको भी मैंने रख दिया है और बस अब फ्रिज के ऊपर डस्टिंग कर लिया है। अब आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल एरिया में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि धूल तो रोज़ ही हो जाता है, पर मैं ना एक दिन बाद एक दिन कर लेती हूँ, कभी कभी रेगुलर भी कर लेती हूँ। ऐसा मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है कि मुझे रोज़ ही करना है या फिर मुझे रेगुलर नहीं करना है, जो भी टाइम मिले ना मैं उसी टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर ना टाइम मिलना ही बहुत मुश्किल हो पाता है। तो और मेरा ना हर टाइम खाना वाना है ना दो तीन तरीके की बनती है और एक हाथ का सारा काम होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अभी फ़िलहाल तो मेड भी नहीं आ रही है, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ेगा और मुझे ही करना पड़ेगा, तो इसी वजह से देखिए कितना सारा कचरा जो है ना अंदर से निकला है। तो है ना अभी फ़िलहाल ये झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर जाके आधा झाड़ू लगा के ना वो कचरा है ना मैंने साइड में किया है और फिर जाके मैं पूरा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ना नहीं तो फिर हवा की वजह से ना सारा फिर से अंदर ही आ जाती है। और ये वाइट टाइल्स है ना घर पूरा, तो इसमें है ना एक एक बाल भी गिरा हो ना तो वो भी दिखता है एकदम साफ साफ, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा और मतलब मेंटेन करना पड़ता है वाइट टाइल्स वाले घर को। तो चलिए अभी फ़िलहाल बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर है ना चिड़िया ने मतलब मैंने इतने बार थोड़ा थोड़ा घोंसला बनाती है चिड़िया और मैं तोड़ देती थी कि अभी थोड़ा सा ही बना है, और ऐसे तोड़ा मैंने बहुत बार, मेड ने भी तोड़ा बहुत बार, कि मतलब घोंसला फर्स्ट में हटाने के बाद जब उसमें बच्चा नहीं था ना उसके बाद जब फिर से घोंसला बनाया ना तो उसको बार बार हम लोगों ने जब भी थोड़े से वो लोग घास फूस ला के रखते थे ना हम लोग फेंकते थे, क्योंकि मेरा पूरा एसी ख़राब हो रहा है इसी वजह से, एसी का जो कंप्रेशर है वो बहुत ज़्यादा गंदा और ख़राब हो गया है, उसके ऊपर पाइप के ऊपर जो सोल होता है ना वो भी पूरा काट दिया है। और चिड़िया तो कुछ नहीं करती है, पर है ना चिड़िया घोंसला बनाती है और कबूतर आके रहते हैं, और आप लोगों को तो पता ही है कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा करता है, जिस भी जगह पे हो कबूतर बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाती है, तो इसी वजह से ना हटाते हटाते मैं थक गई। पर सच में मतलब चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया, इतनी बार मैंने और मेड ने हटाया पर मतलब वो लोग हर बार बनाए। इसे कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और मैं ना फिर जाके मैंने सोचा कि उन लोगों का ना अंडा देने का टाइम भी हो गया है, तो इसी वजह से ना मैंने एक बार देखा कि एक अंडा है ना जो नीचे पड़ा हुआ है, शायद उनका घोंसला नहीं बन पाया और अंडा उन लोगों ने दे दिया है, तो अंडा है ना नीचे फूटा पड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो इस वजह से ना मैंने फिर घोंसला नहीं तोड़ा है। मैंने सोचा अभी बारिश भी हो रही है और अभी घोंसला तोड़ूंगी तो ये लोग जाएंगे कहाँ, और मतलब इनको भी समझ नहीं आता है चिड़िया को भी कि यहाँ पे बार बार तोड़ रहे हैं तो फिर हम लोग कहीं और जाए, तो फिर भी वही बनाना हो गया है। तो मैंने दिशानी के पापा को बोला था कि नेट लगा लो वहाँ पर, तो फिर मुझे भी परेशानी नहीं होगी और ये लोग भी कहीं और ही अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, उनके पास भी टाइम नहीं हो पा रहा था और टाइम के वजह से फिर मैं भी मतलब घोंसला अब नहीं तोड़ सकती, मैं भी हार मान चुकी हूँ। तो बस अब है ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ मॉपिंग और पूरे घर में मॉपिंग मैंने कर लिया है, बस ये रूम बाकी है, तो चलिए अब इस रूम को भी कर लेती हूँ फटाफट से। और दिशानी है ना दूध पी के थोड़ी देर खेल के सो गई है, और अभी है ना ये है ना 8 बजे मतलब सुबह है ना कभी कभी ये 6-5:30 बजे उठती है ना, फिर दूध वूध पी के थोड़ा सा खेल के ये सो जाती है, फिर 10 बजे उठती है, फिर मैं उसको खाना खिला देती हूँ नहला देती हूँ और फिर है ना वो खेलती रहती है, फिर वो एक बार सो जाती है तो फिर उस टाइम में लंच वगैरह बना लेती हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी मेरा टाइम सेट हो जाता है, पर रोज़ ऐसा नहीं होता है, हमेशा टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बच्ची छोटी है तो फिर उनका भी टाइम हमेशा ऐसा ही फिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब मेरा मॉपिंग जो है ना वो तो हो चुका है पूरे घर का, अब मैं बाहर ना मैं मॉपिंग नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं पानी से और वाइपर मार दूँगी, तो बस अब है ना मॉपिंग तो मेरी हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा इधर भी कर रही थी साइड में ताकि यहाँ पर है ना डस्ट लगी रहती है, तो चलिए अब है ना इनको अच्छे से धो लेती हूँ और धो के फिर जाके रख दूंगी। और अभी भी मेरा ना यहाँ पे सामने पोछा देना है इससे मन नहीं भर रहा है, क्योंकि ना इस वाले पोछे से ना मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से जितना साफ़ होता है ना इससे नहीं हो पाता है सच में, चाहे किसी भी चीज़ से करो पर हाथ की सफाई ही होती है।
तो अभी फ़िलहाल है ना यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, वाइपर मार दिया है और अब सारी चीज़ें जो भी है ना वो मैं व्यवस्थित कर दूंगी यहाँ पर। तो पैरदान वगैरह है ना सब अपने जगह पे सेट कर दूंगी और अब देख सकते हो मेरा घर जो है ना एकदम क्लीन हो चुका है एकदम, और मुझे अब जाके अच्छा लग रहा है। ये काम है ना मुझे मतलब सुबह में बस 1 घंटा भी नहीं चाहिए था, मुझे 30-35 मिनट में मैं कर लेती, पर यही है कि रात के बर्तन वगैरह रखे थे और दिशानी को दूध भी पिला रही थी बीच में एक बार, तो इसी वजह से। तो देख सकते हो पूरा घर क्लीन हो गया है, अब जाके मुझे कहीं राहत मिल रही है। रात को ही मुझे टेंशन हो रही थी कि सारा काम फैला हुआ है सुबह, और रात को मैं थक चुकी थी। फिर यहाँ पर ना मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर आ गई हूँ लंच बनाने। तो यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी और कुछ फ्राई सब्जी मैं हमेशा बनाती हूँ तो वही मैं देखूँगी। तो सोया बड़ी को है ना मैंने पानी में भिगो के रखा था और भिगोने के बाद उसका पानी अच्छे से मैंने निकाल लिया है और फिर हल्दी नमक मिला के यहाँ पे मैंने इसको सेलो फ्राई कर लिया है। तो बस यहाँ पर है ना इसको मैं निकाल लूँगी और फिर जाके मैंने यहाँ पर आलू भी कट करके रखा है, क्योंकि सोया बड़ी और आलू का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा होता है। तो अभी है ना दिशानी के लिए दूध गरम करके रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूध जो बचा था ना उसको मैंने खाली करके इसको मैं गरम कर रही हूँ कटोरी में और रख दूँगी, और फिर जब वो उठेगी ना तब पिलाऊँगी। तो गरम इसलिए कर रही हूँ ताकि फ्रिज से निकालने के बाद कल का दूध है तो ख़राब ना हो जाए, इसी वजह से। फिर यहाँ पर कुछ खड़े मसाले जो है ना वो मैंने लिया है और बस आलू भी फ्राई कर लिया है और सोया बड़ी भी। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन तक मैं भूनूंगी, और भूनने के बाद ना इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मैंने अच्छे से भुना है, और अब मैंने डाल दिया है लास्ट में टमाटर, हल्दी, नमक, यहाँ पर जितने भी सूखी मसाले हैं ना वो सब कुछ मैं डाल दूंगी और मसालों को अच्छे से भून लूंगी। तो कई बार मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है तो इसी वजह से मैंने फिर प्रॉपर नहीं किया है। तो अब है ना मसालों को है ना थोड़ा सा और भूनूंगी, क्योंकि सब्जी में है ना मसाले जितने अच्छे से भुनते हैं ना मुझे ऐसा लगता है सब्जी उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है मसाले के भुनने पे। अगर मसाला कच्चा होना फिर पूरे सब्जी में से कच्ची स्मेल आती है प्याज लहसुन की। तो चलिए बालों को ज़्यादा देर खुला करके मैं काम नहीं कर सकती, मुझे अनकम्फर्टेबल लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ना मैंने ऊपर बालों को बांध लिया है। और ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बाल खुला करके। तो मैं कोई हवा वाला जगह हो जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, घर में मुझे बाल खुल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी अपन लोग है ना कभी कभी फैशन की वजह से खोल लेते हैं, और कोई ऐसा ड्रेस हो जिसके साथ है ना खुले बाल ही अच्छे लगते हो तो उस अकॉर्डिंग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। तो चलिए अब है ना यहाँ पर मैं लौकी जो मेरे पास थोड़ी सी रखी थी तो उसको है ना मैं गोल गोल साइज में कट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लौकी है और इसको मैं बारीक कट करके फ्राई करूँगी फिर बेकार ही लगेगा, एकदम थोड़ी सी रहेगी तो इसी वजह से गोल गोल कट करूँगी और इसको बस फ्राई करूँगी। ये भी अच्छी लगती है, फ्राई सब्जी तो हमेशा अच्छी होती है, ऑलवेज मतलब टेस्टी लगती है क्योंकि फ्राई है बस। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है, तो इस फ्राई लौकी के लिए ना मैं लौकी के ऊपर भी थोड़ा सा नमक और एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी और उसको मिक्स करके बस पैन में फ्राई कर लूँगी। तो सब्जी भी इधर बन चुकी है और लौकी फ्राई भी मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए अब है ना सब्जी के अंदर लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। तो कभी कभी ना मेरी सोया बड़ी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और कभी कभी ना फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी। और खुद के हाथ का ना खुद के हाथ का खुद को कभी भी अच्छा नहीं लगता है, कोई अगर बना के देना तो जैसे तैसे भी देगा ना तो वो भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी जो है ना वो तो बन चुकी है, अब है ना मैं चावल चढ़ाऊँगी क्योंकि चावल बनाना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर लौकी भी फ्राई हो गई है, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ और फिर जाके यहाँ पर चावलों को अच्छे से धो लेती हूँ। चावल धोने के लिए मैं 2-2 बार 3-3 बार पानी यूज़ करती हूँ, 2 बार मैं टंकी के पानी से, 2 बार मैं कैंपर के पानी से, तो ऐसे करके चावल में हमेशा धो के फिर जाके चावल पकाती हूँ। तो यहाँ पर आज का जो दूध था ना वो मैं अभी उबालूँगी, लास्ट में ही मैं दूध उबालने का काम करती हूँ और बाद बाकी सारा काम उसके साथ चलता रहता है, नहीं तो शुरू में ही एक चूल्हे पे दूध रख दूँ ना तो दूध को उबलने में बहुत देर लग जाती है और फिर मेरा काम रुका रहता है, क्योंकि एक चूल्हे में 2 चूल्हे ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए इसी वजह से। तो चलिए दूध उधर
उबल रही है, चावल इधर बन रही है, तो इधर थोड़े बहुत जो बर्तन है ना उसको मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। आज है ना सुबह थोड़ा सा लेट हो गई थी ना, तो इसी वजह से मुझे लग रहा था काम कैसे मैनेज कर पाऊँगी, पर शुक्र है भगवान का सब कुछ टाइम पे हो गया था। क्योंकि ना मुझे पता नहीं, मेरा काम का टाइम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होना फिर मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और मन के अंदर ऐसा अजीब लगता है कि मेरा सारा काम ख़त्म नहीं हुआ और टाइम इतना हो गया, तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम मुझे, और चिड़चिड़ापन सी फील होती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी तरफ भी ध्यान ना दूँ, ऐसा लगता है मैं नहाने में लेट हो रही हूँ, बर्तन धोने में लेट हो रही हूँ, सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो चलिए अभी काम तो मेरा सारा टाइम पे हो गया है, और बस अब है ना मैं अच्छे से मतलब किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, और किचन क्लीन करने के बाद थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट। और दिशानी के पापा है ना सुबह सुबह है ना आज उन्होंने चाय भी पिया था, तो चाय पी के वो सुबह सुबह निकल गए थे अपने किसी काम पे, तो वो अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि लंच करने वो आएंगे। और नाश्ता तो उन्होंने आज है ना बाहर से ही कर लिया होगा, क्योंकि आज मैंने सुबह ना नाश्ता नहीं बनाया है, वो बाहर से करते हैं, क्योंकि उनको है ना मतलब बाहर का जैसे कचौरी समोसा ये सब कुछ उनको पसंद है, वो खाते भी है, तो इसी वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं होती उनका है ना खाने को लेके, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो है ना कभी भी अगर मार्केट में जा रहे हो ना तो बाहर से कुछ ना कुछ तो खा के ही आएंगे, मुझे पता है कितना भी घर पे क्यों ना बनाए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़ी देर कर रही थी रेस्ट, पर मेरे को रेस्ट करना मतलब दिशानी के पापा को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अब है ना वो जब घर पे आए ना लंच करने, तो यहाँ पर लेके आए चिकन, क्योंकि उनको ना अब है ना चिकन खाने का मन कर रहा था, तो इसी वजह से ना यहाँ पर फिर मैं गुस्से में पका रही हूँ चिकन। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, खाना ऑलरेडी सारा बन गया था, पर उन्होंने मुझे बोला अब ये चिकन बनाओ, तो मैं भी सोच रही थी कि अभी ही बना के रख देती हूँ, रात को भी उनको काम आ जाएगा, नहीं तो फिर ना मतलब वही होगा कि वो चिकन अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ तो फ्रिज में रखने के बाद चिकन एकदम ख़राब हो जाता है, फिर उसको पकाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक जने के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने ना यहाँ पर ग्रेवी जो है ना मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ ऐसी रखी है, बिल्कुल पतला नहीं रखा है, एकदम सेमी सेमी रखा है कि मतलब एक जने को हो जाए और बच भी जाए। तो चलिए वो एक दो बार तो ये खा ही लेंगे, और उनको ज़्यादा पसंद है तो क्या पता दो बार में ही फिनिश कर दे। तो अभी तो ये पक गया है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था, जैसे कि दिशानी के पापा को हमेशा मेरे हाथ का चिकन पसंद है। तो चलिए अब इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है मसाले, पर कर लिया है फिर से, अब किचन विचन फिर से मुझे थोड़ी देर समेटना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।